श्री शंकर लालवाणी प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय कानून मंत्री जी ने जो ये बिल रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह तथा कुटुंब मामलों के विवाद और उससे जुड़े हुए मामलों में सुलह को बढ़ाना और शीघ्र निपटारा करने के लिए कुटुंब न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बात सही है कि वर्तमान युग का जो समाज का ताना बाना है उस पर कुटुंब विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकरणों में सुलह और काउंसलिंग हो रही है, पर फिर भी जो ये बिल आया है वो हिमाचल और नागालैंड के जो नोटिफिकेशन को लेकर आया है, और मंत्री जी ने कहा है कि ये वास्तव में छोटा सा अमेंडमेंट है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुल 26 राज्यों में 715 कुटुंब न्यायालय वर्तमान में काम कर रहे हैं। पर यह बात भी सही है कि 11,76,000 से ज़्यादा प्रकरण कुटुंब न्यायालय में लंबित हैं, और 14 वित्त आयोग में 541 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था 235 कुटुंब न्यायालय बनाने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसका समर्थन करते हुए मैं ये कहना सुझाव देना चाहूँगा, कुटुंब न्यायालय की संख्या और बढ़ना चाहिए, खास करके हमारे मध्य प्रदेश में एक ही कुटुंब न्यायालय है, तो मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, 750 करोड़ की जनता है, और जिस प्रकार प्रकरण बढ़ रहे हैं मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में कुटुंब न्यायालय की संख्या बढ़ना चाहिए, और जिन जिन राज्यों में कुटुंब न्यायालय कम है वहाँ भी इसकी संख्या बढ़ना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।